प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। दया दिखाएं, क्योंकि गैर विश्वासी लोग आफ्टर ऑल प्रभु के वचन के अनुसार हमारे पड़ोसी हैं, और अच्छे पड़ोसी होने के नाते उनका ख्याल रखना और उनके बारे में फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति के जीवन में काफी कुछ निवेश किया है या इन्वेस्ट किया है। इसके बारे में ये भी मैंने याद दिलाया था कि प्रत्येक विश्वासी के जीवन में कम से कम 40 बातों को प्रभु ने इन्वेस्ट किया है, जिनमें से कुछ बातें जब प्रभु ने वो हमारे जीवन में इन्वेस्ट किया या निवेश किया, तब से आखिर तक वैसे ही रहते हैं। उसको ना तो कोई ज्यादा कर सकता है ना कोई कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, हमको जो अनंत जीवन या शाश्वत जीवन दिया गया है वो शाश्वत है, उसको कोई कम नहीं कर सकता, हमसे ले नहीं सकता, और उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि शाश्वत मीन्स वो अनंत है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी भी बहुत सारी बातों में प्रभु ने इन्वेस्ट किया है या निवेश किया है, जिनके बारे में हमारी जिम्मेदारी है कि उनका उपयोग हम इस तरह से करें कि वो हमारे और हमारे भाई बहनों के लिए और हमारे स्वामी प्रभु के लिए अत्यंत उपयोगी हो। इसके बारे में मैंने इसके पहले लास्ट टाइम आपको याद दिलाया था कि किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति दे दी जाती है तो उसका भविष्य इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि उसको कितनी संपत्ति दी गई या उसे कितनी संपत्ति प्राप्त हुई, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उस संपत्ति का उपयोग वो कैसे करता है। इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है, हिंदुस्तान में हजारों राजे महाराजे लोग थे, और राजे महाराजाओं के अंडर लाखों जमींदार लोग थे। मैं इस तरह की एक रियासत में पला था, सिंधिया रियासत में, जहां मैंने हजारों जमींदार देखे हैं। कई लोग आज भी आराम से अय्याशी के साथ जी रहे हैं, और कई लोग सड़कों पर आ गए हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, दूसरों से मांगना पड़ता है। पैसे इन सभी के पास बराबर थे, कुछ लोगों ने उनका सदुपयोग किया, निवेश किया, बाकी लोगों ने उसको निवेश करने के बदले सिर्फ खर्च किया। जिन्होंने निवेश किया उनके पास आज भी खर्च के लिए बहुत कुछ है, जिन्होंने सिर्फ खर्च किया उनके पास आज ना तो खर्च करने के लिए है, ना निवेश करने के लिए है, ना पेट भरने के लिए है। आत्मिक जीवन में बिल्कुल यही स्थिति है। प्रभु ने हमको जो दिया है उसका हिसाब मांगेंगे। हम में से कई लोग प्रभु के पास जाके कहेंगे, प्रभु दो और कमाए हैं, प्रभु प्रसन्न होंगे। हम में से कुछ और लोग जाकर कहेंगे, प्रभु पांच और कमाए हैं, प्रभु और अधिक प्रसन्न होंगे। कुछ और लोग जाकर कहेंगे, प्रभु मैंने 10 और कमाया है, प्रभु और प्रसन्न होंगे, और प्रभु का जो नियम है, आत्मिक जीवन का जो शाश्वत नियम है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा, उसके अंतर्गत जिसने 10 और कमाए हैं उसको और अधिक दिया जाएगा। इस कारण आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन सबसे विनती करना चाहता हूं, आत्मिक जीवन में प्रभु ने आपको जो दिया है उसका निवेश, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कीजिए।
उसके पहले पिछले हफ्ते आप में से कई लोगों ने यह प्रश्न मुझे भेजा था व्हाट्सएप के द्वारा कि आत्मिक वरदानों को या स्पिरिचुअल गिफ्ट को कैसे पहचाने। स्पिरिचुअल गिफ्ट को पहचानने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब हम नए नियम में जो पत्रियां हैं उनको पढ़ते हैं तब उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मिक जीवन में मेरे आपके जीवन के बारे में प्रभु की जो इच्छा है उस इच्छा को हम अनुभव से ज्ञात करते हैं। ये हम देखते हैं रोमियो 12:1-2 में। ये आज के हमारे स्टडी का विषय नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट कर लें। रोमियो 12:1-2 इस बात को याद दिलाते हैं कि मेरे आपके जीवन के बारे में प्रभु की क्या इच्छा है, जिसका मतलब उन्होंने हमको जो दिया है वहां से लेकर उसका उपयोग कैसे करते हैं इसको हम अनुभव से जानते हैं या अनुभव से ही पहचान सकते हैं। कोई जादुई डंडा नहीं है जिसको हमारे सर के चारों तरफ फिरा दिया जाए तो अचानक पता चल जाए कि हमारा आत्मिक वरदान क्या है। वहां लिखा है इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह है रोमियो 12:1। 12:2 में हम देखते हैं 12:2 का जो आखिरी पोर्शन है वहां लिखा है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यदि आप अपने आत्मिक वरदान के बारे में जानना चाहते हैं, उसको ढूंढ कर उसको पहचानना चाहते हैं, तो नंबर एक, मंडली में आपको जो भी अवसर मिलता है उस अवसर का पूर्ण उपयोग कीजिए। यदि आपसे कहा जाता है कि ब्रदर या सिस्टर आप इस हॉल को साफ कर सकते हैं क्या, तो न करने के बदले वो प्रभु के द्वारा दिया हुआ अवसर है ये समझकर उस हॉल को ऐसा साफ कीजिए कि वो आपके शहर में सबसे चमकता हुआ हॉल हो। इस तरह से जब हमको जो अवसर मिलते हैं उसका उपयोग करते हैं। और उसके साथ साथ पहले पद के अनुसार दूसरे पद के अनुसार जब हमारी बुद्धि नहीं हो जाती है तब अनुभव से हम जान लेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु ने हमको क्या गिफ्ट दिया है। और जब ये जान लेंगे कि प्रभु ने क्या गिफ्ट दिया है तो उसके बाद आता है आज का विषय, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका निवेश सही रीति से करो। इसके बारे में प्रभु का वचन बहुत डिटेल में कई जगह हमको बताता है लेकिन आज का अध्ययन हम दो अध्यायों पर फोकस करेंगे। पहला है पहला कुरिंथियों 3 अध्याय। तीसरे अध्याय को कंप्लीट नहीं लेंगे, पहला कुरिंथियों 3 अध्याय के 8वें पद को हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद जब हम पहला कुरिंथियों 3 अध्याय में से आवश्यक पदों का अध्ययन कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय में। इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय में भी हम 3-4 पदों को देखेंगे। तो पहला कुरिंथियों 3 अध्याय के 8वें पद में हम क्या पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। लगाने वाले का मतलब बगीचा लगाने वाला, फार्म हाउस, आज की आधुनिक भाषा में कहा जाए तो फार्म हाउस लगाने वाला और सींचने वाला एक है, मतलब परमेश्वर है। ये फार्म हाउस या खेती मेरे आपके आत्मिक जीवन को बताती है। मेरे आपके आत्मिक जीवन को बताने के लिए प्रभु का वचन कई प्रकार के उदाहरण या उपमा का उपयोग करता है जिसमें से एक है फार्म हाउस। जब भी कोई फार्म हाउस का उदाहरण विश्वासियों के जीवन से उसकी तुलना इसलिए की जाती है कि फार्म हाउस जब कोई व्यक्ति लगाता है तो कल जो था वो स्थिति आज नहीं होती है। कल पेड़ जितने बड़े थे आज उससे ज्यादा बड़े होते हैं। आज जो स्थिति है कल आने वाले कल वो स्थिति नहीं होगी, पेड़ और बढ़ेंगे। जब हम एक मकान बनाते हैं तो मकान एक बार जब बन जाता है तो हमेशा वो लगभग एक जैसा रहता है, बस रंगाई पुताई का फर्क है। इसलिए प्रभु का वचन पहले
हमारे आत्मिक जीवन में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी तुलना फार्म हाउस से करता है, क्योंकि जिस तरह से फार्म हाउस में या बगीचे में या खेती में लगातार प्रोग्रेस होना चाहिए, पौधे बढ़ते जाएं, फूल लाएं, फल लाएं, अपने स्वामी के लिए फल दें, इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में होना चाहिए। तो प्रभु का वचन जब ये एक तरफ ये कहता है कि हमको आत्मिक वरदान दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ प्रभु का वचन बार बार ये याद दिलाता है कि हमें उसका उपयोग करना है, हमें उसका निवेश करना है, हमें उसका इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के उदाहरण पिछले हफ्ते मैंने आपको याद दिलाए थे, प्रभु ने स्वामी ने दासों को बुलाकर उनको सिक्के दिए या सोने या चांदी का पिंड दिया। प्रभु ने उस तरह के जितने उदाहरण दिए हैं वे सारे उदाहरण हमको ये याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में निवेश करना है। उसके बाद जब हम रोमियों से लेकर यहूदा तक की पत्रियों को पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग शब्दों में अलग अलग उदाहरणों के द्वारा अलग अलग तुलना के द्वारा ये बात बताई गई है कि हमें इन्वेस्ट करना है, किन चीजों में करना है, किस तरह से करना है, उसका फल क्या होना चाहिए और किस तरह की चीजों में नहीं करना है, और यदि हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें नहीं करना है तो वो हमारे आत्मिक जीवन को किस तरह से बर्बाद कर देगा। उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा ने तिमोथियुस को तिमोथियुस की पत्री में ये कहा था कि अनावश्यक और फालतू कथा कहानियों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि इनसे भक्ति खत्म होती है, भक्ति कम होती है, आत्मिक जीवन में किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है। तो इस तरह सारे नए नियम की पत्रियों में जब या गॉस्पल से लेकर अंत तक जब इस तरह के इंस्ट्रक्शंस या इस तरह की आज्ञाएं फैली पड़ी हैं, तो आज के अध्ययन के लिए उनमें से दो चुनकर मैं आपके सामने रख रहा हूं। नंबर वन, पहला कुरिंथियों तीसरे अध्याय के आठवें पद में हम पढ़ते हैं, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है। मसीही जीवन की तुलना एक खेत से या एक बगीचे से या एक फार्म हाउस से की गई है। हम हैं वो बगीचा, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज है, ये जो संसार है, इस संसार में जो कुछ है उसकी तुलना भी बगीचे से की गई है। और जब संसार की तुलना बगीचे से की गई है तो उसके बाद हम में से हर व्यक्ति को उस बगीचे में परिश्रम करने वाले व्यक्ति से हमारी तुलना की गई। इसलिए लिखा हुआ है रोमियो 12 के पहला कुरिंथियों तीसरे अध्याय के आठवें पद के आखिर में लिखा है, हरेक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। जिसका मतलब यह है कि पूंजी तो दी गई है, लेकिन खेत में उतरकर हम जो परिश्रम करेंगे उसके अनुपात में हमको मजदूरी मिलेगी। जो हाथ पर हाथ रखे बैठेगा, जो अपने आत्मिक जीवन का उपयोग नहीं करेगा, उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। अच्छा, यहां मैं जब उस पद को पढ़ रहा था, आप में से जिनके पास हिंदी बाइबल से उन्होंने नोट किया या नहीं किया, मैंने दो शब्द छोड़ दिए, जानबूझकर छोड़े थे, जिससे कि उसके बाद हम उसकी ओर ध्यान दे सके। वहां यह लिखा हुआ है, हरेक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार, अपने ही परिश्रम के अनुसार, जो इस बात को दिखाता है कि हम में से हर व्यक्ति का इंडिविजुअल परिश्रम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हरेक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। प्रभु का वचन ही दोनों जगह से हटा सकता था, हिंदी में वाक्य रचना में कोई दिक्कत नहीं, हरेक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। नहीं, पवित्र आत्मा ने उस विषय को और अधिक जोर देकर हमारे मनों में पत्थर की लकीर के समान लिखने के लिए
ये दो शब्द जोड़े हैं, हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हम में से सबको बहुत खुशी होती है जब दूसरे लोगों के आत्मिक जीवन को देखते हैं। इवन अपने बच्चे यदि आत्मिक जीवन में प्रोग्रेस करते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन कभी ये ना भूलें कि जिस तरह से उनको देख के हमें खुशी होती है, हमें देखकर यदि हमारे आत्मिक पिता को खुशी होनी है तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार फल पाएगा, दूसरा जो कर रहा है उसका फल उसको नहीं मिलेगा, और अपनी ही मजदूरी पाएगा, दूसरे की मजदूरी उसे नहीं मिलेगी। इसके बाद आगे विश्वासी के आत्मिक जीवन में वो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके बारे में कुछ और उदाहरण दिए हैं। ये एक से अधिक अनेक उदाहरण देकर प्रभु का वचन ये बात हमको क्यों समझाता है, उसके पीछे एक कारण है। आत्मिक जीवन अपने आप में कोई सरल बात नहीं है। आत्मिक जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट हमको समझ में आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आत्मिक जीवन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया, बल्कि आत्मिक जीवन के जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं वो सब समझना हमारे लिए जरूरी है। और अलग अलग एस्पेक्ट जो हैं, अलग अलग आत्मिक जीवन के जो साइड हैं, उनको समझाने के लिए प्रभु का वचन अलग अलग उदाहरणों का उपयोग करता है। इसलिए नवे पद में हम देखते हैं हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हमसे मतलब हम सारे विश्वासी लोग, प्रभु का वचन जब हम शब्द का उपयोग करता है, रोमियों से लेकर यहूदा की पत्री तक, जहां भी हम और हम सब प्रयोग आया है, ये सारे प्रयोग विश्वासियों के परिवार के बारे में है। विश्वासियों के परिवार के बारे में पहला कुरिन्थियों 3:9 कहता है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, कोवर्कर, मतलब परमेश्वर के साथ कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी देखते हैं। आगे उसी पद में हम देखते हैं तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ये दोनों बातें हमको स्पष्टतया समझना चाहिए। पहले उस पद के सेकंड पोर्शन को जरा देखें, तुम परमेश्वर की खेती हो। विश्वासी की तुलना कई बार प्रभु के वचन में खेती से की गई है, मसीही मंडली की तुलना भी खेती से की गई है। तो खेती से क्यों की गई है ये मैंने इसके पहले आपको बता दिया था। खेती हमेशा उसमें जो बीज बोया जाता है उसमें निरंतर प्रोग्रेस होना चाहिए, आत्मिक जीवन में भी निरंतर प्रोग्रेस होना चाहिए, जिससे कि हम हमारे अंदर जो बोया गया है 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। इसलिए तुम परमेश्वर की खेती हो कहा गया। उसके बाद लिखा है तुम परमेश्वर की रचना हो। उसका सही ट्रांसलेशन है कि परमेश्वर का निर्माण हो। परमेश्वर एक भवन की का निर्माण कर रहे हैं, हम वो भवन है। लेकिन इसके बारे में आगे हम कुछ बातें और देखेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले हम परमेश्वर के सहकर्मी है का क्या मतलब है इसको जरा दो क्षण देख लें। एक तरफ से तो प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की खेती हैं, दूसरी ओर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की रचना हो, जिसका मतलब है खेती परमेश्वर कर रहे हैं, रचना परमेश्वर कर रहे हैं, हम है वो खेती, हम है वो रचना। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर का वचन या पवित्र आत्मा हमको ये भी याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ऐसा क्यों? इसलिए अब किस बात में सहकर्मी हैं? इस बात में सहकर्मी हैं कि जो फार्म हाउस परमेश्वर लगा रहे हैं उसकी देखभाल, उसका पोषण, सही समय पर उसमें जो घास फूस है उसको उखाड़ कर फेंकना, सही समय पर पानी देना, सही समय पर खाद देना, यह मेरी आपकी जिम्मेदारी है। उसी तरह से परमेश्वर की जो रचना है उसमें भी हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जिससे कि परमेश्वर जो
वहां पर जो बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसमें हम सही रीति से निर्माण कर सके। तो खेती और निर्माण, ये दो बातें हमारे आत्मिक इन्वेस्टमेंट को दिखाती हैं। एक तरफ से हम परमेश्वर की खेती हैं, परमेश्वर के निर्माण हैं, लेकिन दूसरी ओर हम इन बातों में परमेश्वर के सहकर्मी हैं या परमेश्वर के साथ खड़े होकर निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अपने आत्मिक वरदानों का सही उपयोग करते हैं, तो उस सही उपयोग के द्वारा ना केवल हम सही निवेश कर रहे हैं, सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना केवल हम अपने आत्मिक जीवन का स्वयं पोषण कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के सहकर्मी होने के कारण अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग उस पूरे बगीचे के पोषण के लिए कर रहे हैं, उस पूरे बिल्डिंग के निर्माण के लिए कर रहे हैं। यहां एक क्षण जरा रुक कर मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति अपने आप से ये प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, मैंने अपने आत्मिक वरदान को पहचाना है क्या? दूसरा प्रश्न, पहचानने के बाद उसका सही उपयोग करने की मैंने कोशिश की है क्या? यदि कोशिश की है तो तीसरा प्रश्न यह है कि क्या मैं इससे भी बेहतर तरीके से इसका उपयोग कर सकता हूं? और यदि कोशिश की है क्या का जवाब यदि यह हो कि नहीं की है, तो सवाल यह है कि आपको प्रभु ने सब कुछ दिया और आप हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, इसके लिए क्या बहाना है? आत्मिक जीवन में क्या बहाना बना सकते हैं? हम में से कोई यह तो नहीं कह सकता कि प्रभु मैं तो नहीं जानता था। क्यों नहीं जानते थे? प्रभु का वचन आपकी भाषा में दिया हुआ है। हम में से कौन है जो आज कह सकता है कि नहीं, प्रभु की भाषा, प्रभु का वचन मेरी भाषा में उपलब्ध नहीं है? आज भारत में कोई नहीं कह सकता है। दो चार छह आठ दस ट्राइब इधर उधर होंगे जिसके लोग ये कह सकते हैं कि हमारी मातृभाषा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज भारत में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वे सब लोग उनकी स्वयं की आप जो मातृभाषा है उसमें प्रभु का वचन उपलब्ध है। और ट्राइब्स वगैरह में से जो लोग पढ़ लिख गए हैं, उन लोगों के लिए भारत की राजभाषा हिंदी में प्रभु का वचन उपलब्ध है। तो इस कारण हम ये बहाना तो नहीं बना सकते कि प्रभु मैं तो नहीं जानता था। प्रभु के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। इस कारण जिन लोगों ने अपने आत्मिक वरदान को नहीं जाना पहचाना है और उपयोग नहीं किया है, उनसे फिर से ये प्रश्न पूछकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु के सामने क्या बहाना है? कोई बहाना नहीं बना सकेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आज से अपने आत्मिक वरदानों पर फोकस करके उसको जानने पहचानने और उसका उपयोग करने की कोशिश करें। और जो लोग उपयोग कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्रभु से याचना कीजिए, विनती कीजिए, हे प्रभु, आपके इस राज्य में जब कोई व्यक्ति आपकी सेवा करना चाहता है तो कतई किसी तरह की कोई सीमा नहीं है। इवन मानसिक रूप से विकलांग लोगों ने आपके लिए कितना कुछ किया है प्रभु, जिनकी आंखें नहीं है, अंधे लोगों ने आपके लिए कितना किया है प्रभु। मानसिक जो विकलांग है, मानसिक उनके बारे में तो मैंने बोला, उसके अलावा इवन मानसिक जो ऐसे लोग जो कठिन मनोरोगों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों ने भी प्रभु के लिए बहुत कुछ किया है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों ने तो प्रभु के लिए बहुत कुछ किया, बहुत 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 कुछ किया है। तो यदि इन लोगों ने किया है, तो हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि प्रभु के राज्य में प्रभु की सेवा करने के लिए और प्रभु ने हमको जो पूंजी दी है उसके निवेश करने के लिए कोई सीमा नहीं है। जितना हम और करते चले जाएंगे, प्रभु उतना ही और देंगे। इस कारण प्रभु के सामने कोई भी बहाना बनाने के बदले अपने आत्मिक पूंजी का सही उपयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाए, उत्सुक हो जाए।
इसके बाद प्रभु पवित्र आत्मा पौलुस से पौलुस की गवाही लिखवाते हैं दसवें पद में, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय दस, जिसमें पवित्र आत्मा के गाइडेंस के द्वारा पौलुस अपनी गवाही लिखते हैं। गवाही यह है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्री की नाई नेव डाली। मिस्त्री क्या होता है ये तो हम जानते हैं, मकान या कोई भी निर्माण मिस्त्री के बिना नहीं हो सकता। ये पहला कुरिन्थियों तीसरे अध्याय का दसवां पद है, पहला कुरिन्थियों 3:10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने नींव डाली। नींव से क्या तात्पर्य है देखिए, चर्च एज जिसमें हम जी रहे हैं ये एक नया युग है, ये यहूदियों का युग नहीं है। इस युग में जो इसके जो मूल उपदेश हैं, ये लगभग सारे के सारे उपदेश सबसे पहले पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखित रूप में हमको दिया। रोमियों के पत्री, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिप्पियों आदि, जो कि उपदेश का सारांश है, जिनके बिना हम नए नियम का उपदेश नहीं समझ सकते, इनको सबसे पहले तो प्रभु ने लिखवाया पौलुस के द्वारा। उसके बाद प्रभु ने पत्रस के द्वारा लिखवाया, याकूब के द्वारा लिखवाया, यहूदा के द्वारा लिखवाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिखा, पवित्र आत्मा ने बहुत थोड़ा इन लोगों के द्वारा, पत्रस के द्वारा या याकूब के द्वारा या यूहन्ना के द्वारा या यहूदा के द्वारा बहुत थोड़ा लिखवाया। उपदेश का जो अधिकतम हिस्सा है और पौलुस के द्वारा लिखवाए, इसलिए पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपनी गवाही शेयर करते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नींव डाली। चर्च एज के जो जितने उपदेश हैं उनकी नींव पौलुस ने डाली। लेकिन यहां पर दो तीन बातें मैं आगे बढ़ने से पहले याद दिलाना चाहता हूं। नंबर वन, पौलुस इस बात को याद दिलाते हैं कि नींव तो उन्होंने डाली लेकिन ये उनका काम नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। बार बार हमें ये बात अपने आप को याद दिलानी चाहिए कि मुझे और आपको जो आत्मिक वरदान मिला है, मेरी आपकी कोई योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इस बात को कभी ना भूलें, नहीं यदि भूल गए तो इस बात की संभावना है कि हम अपने आत्मिक वरदानों को मनमानी से अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए उपयोग में लाएं। तो परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने नींव डाली। दो बातें यहां हैं, नंबर वन बुद्धिमान। किसी भी संपत्ति का करेक्ट निवेश करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से हरेक को वो कहानियां याद होंगी। एक दिन सुबह अखबार में एडवर्टाइजमेंट आता है, बैंक में पैसा जमा कीजिए 8.5 साल में दुगना होता है, हमारे फर्म में पैसा लगाइए 9 महीने में पैसा दुगना हो करके हम दे देंगे। कोई कुछ बेच रहा है, कोई गोट फार्म लगा रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह के जो स्कीम्स हैं इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, हम सब जानते हैं। और जितने लोगों ने पैसा लगाया शुरू शुरू में जिन्होंने लगाया उनको तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ, बाकी सब के पैसे डूब गए। क्यों? लोभ। लोभ क्यों? बुद्धि से नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि बैंक वाले जो हमारा पैसा लेकर बिजनेस करते हैं वो यदि 8.5 साल में पैसा दुगना करके देते हैं तो कोई व्यक्ति 8.5 महीने में दुगना करने की सोच रहा हो तो या तो वो हमको मूर्ख बना रहा है या बैंक वाले हमको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी देश में बैंक
नियम और कानूनों के अंतर्गत काम करता है, इसलिए वो लोग तो बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। जिसका मतलब है कि यदि बैंक 8.5 साल में पैसा दुगना करता है या 9 साल में करता है, तो कोई व्यक्ति अच्छे से अच्छा बिजनेस लगाए तो अभी 7 साल से कम समय में पैसा दुगना नहीं कर सकता है। और इस कारण यदि कोई 8 या 9 महीने में दुगना करने को बोल रहा है तो वो लोगों को उल्लू बना रहा है। हमें बुद्धि के साथ सोचना चाहिए। ऐसा लोगों ने नहीं सोचा, इसलिए उनके पैसे डूब गए। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। आत्मिक जीवन में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जब हम निवेश करते हैं, तब प्रभु का वचन याद दिलाता है कि बुद्धि के साथ निवेश करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि मेरे आपके सामने यदि 4 आत्मिक अवसर आते हैं, ये करो ये करो ये करो या ये करो, तो बहुत ही आत्मिक बुद्धि के साथ सोचने के बाद हमको यह तय करना चाहिए कि इसमें से कौन सा सबसे सही रहेगा। मान के चलिए कि आज मुझे इनविटेशन मिलता है, पहला कहता है कि भैया हम जूम पे प्रोग्राम चला रहे हैं, हर प्रोग्राम में एक हिंदी गाना गाओ और हर गाने पे हम तुमको 10,000 रुपया देंगे। दूसरा आके कहता है कि एक लेख लिखो और हम हर लेख के लिए तुमको 500 रुपया देंगे। तीसरा आके कहता है कि फलानी जगह संदेश दो, कम से कम 50 लोग या 40 लोग सुनेंगे, पैसा प्रभु देंगे। तो एकदम से मेरी इच्छा होती है कि मैं उस जगह जाऊं जहां पर प्रति गाने 10,000 मिल रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को भूल जाता हूं कि गाने का गिफ्ट प्रभु ने मुझे नहीं दिया है। और यदि वो कहता है कि आप तो गलत सलत जैसी आपकी इच्छा आप तो गाए जाओ, तो उसका मतलब यह है कि वो मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे प्रभु ने जो गिफ्ट दिया है सिर्फ उसका उपयोग करना चाहिए, मुझे लालच और लोभ के पीछे भागना नहीं चाहिए। यह है बुद्धि के साथ निवेश। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई, मिस्त्री के बदले राजमिस्त्री का उपयोग इसलिए किया है कि नए नियम के लगभग सभी मुख्य उपदेश हमको पौलुस के द्वारा लिखित रूप में मिले हैं, पत्रस के द्वारा, याकूब के द्वारा, यहूदा के द्वारा और यूहन्ना के द्वारा भी मिले हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, थोड़े से अध्याय हैं, बाकी लगभग सब कुछ पौलुस के लेखों में हमको मिलता है। इसलिए पौलुस अपने आप को प्रभु का राजमिस्त्री कहता है, जो सबसे पहले निर्माण कार्य करता है और उसके बाद 50 मिस्त्रियों को, चर्चेज के बारे में कहा जाए तो करोड़ों मिस्त्रियों को बांट दिया गया है। तो पौलुस राजमिस्त्री है प्रभु के लिए, और चर्च एज में मैं और आप कौन है? मैं और आप मिस्त्री हैं जो निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3:10 में हम पढ़ते हैं, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रखता है। रद्दा शब्द का प्रयोग सब जगह नहीं होता है, इवन हिंदी प्रदेशों में आजकल नहीं होता है। एक्चुअली नींव के ऊपर ईंट बाय ईंट जो निर्माण कार्य होता है, उसको मध्य प्रदेश के उत्तर में और उत्तर प्रदेश वगैरह में खड़ी हिंदी में या शुद्ध हिंदी में रद्दा बोलते हैं। आप अपनी भाषा में समझ लीजिए। कहने का मतलब यह कि बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने नींव डाल दी। अब दुनिया में जो करोड़ों मसीही लोग हैं, वे मसीही लोग उस नींव के ऊपर निर्माण कर रहे हैं। इसलिए नवे अध्याय के आरंभ में प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, फेलो वर्कर्स, को वर्कर्स। एक तरफ से हम परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर के निर्माण है, दूसरी ओर हम स्वयं भी राजमिस्त्री। प्रिय भाई और बहनों, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है।
एक तरफ से हम प्रभु के निर्माण हैं, दूसरी ओर प्रभु के निर्माता भी हैं, जिसका मतलब यह है कि प्रभु हमारा निर्माण कर रहे हैं। उस समय हमारी जिम्मेदारी है कि मंडली में मुझे और आपको जो निर्माण कार्य दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसकी गंभीरता को, उसके महत्व को समझकर, उसके मूल्य को समझकर हम निर्माण कार्य करें। तो वहां प्रभु का वचन कहता है नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता, दूसरा मतलब पौलुस के अलावा अन्य लोग उस पर आगे का निर्माण कार्य करते हैं, रद्दा रखता है का मतलब आगे निर्माण कार्य करते हैं। लेकिन हरेक मनुष्य चौकस रहे, यह मनुष्य विश्वासियों के बारे में है, हरेक विश्वासी चौकस रहे, अलर्ट रहे कि वह उस पर कैसा निर्माण कार्य करता है। 11 और 12 को देखेंगे, 11 और 12 पद, पहला कुरिन्थियों तीसरे अध्याय के 11वें और 12वें पद को, चौकस रहे कि वो उस पर कैसा निर्माण कार्य करता है। 11वां पद कहता है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ऐसा क्यों कहा है? कई बार विश्वासी की इच्छा होती है, नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है, मैं ये सब छोड़कर सब नए तरीके से बनाऊंगा। नए नियम के युग में ब्रदरन मंडलियों में जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु का वचन बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा है, वे लोग इस बात को जानते हैं कि नए नियम में हर मंडली स्वतंत्र होती है। हम इस बात को जानते हैं कि मंडली में जिस तरह से हमारे चारों तरफ तमाम चर्चेस हैं, जिसमें पादरी हैं, पादरियों के ऊपर बिशप होता है, बिशप्स के ऊपर आर्च बिशप होता है, इस तरह से कोई भी चीज नए नियम में नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब देखते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुझसे कई बार लोग कहते हैं ब्रदर जॉनसन, ब्रदरन असेंबलीज में पादरियों के ना होने से और पादरियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए बिशप्स के ना होने से और बिशप्स के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक स्ट्रक्चर ना होने के कारण अपने यहां बहुत गड़बड़ हो रहा है, और इस कारण वो जो नींव है, नए नियम की नींव, उसको छोड़कर कई लोग मन माना नया चर्च बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रदेश में हूं जहां मसीहियों की संख्या पॉपुलेशन में 20% है, और इस 20% में ब्रदरन मंडलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस एक छोटे से प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में किसी जमाने में बस्तर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, एक डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा स्टेट उस डिस्ट्रिक्ट से छोटा है, इस छोटे से स्टेट में आज लगभग 700 ब्रदरन मंडलियां हैं। इन 700 मंडलियों को देखकर कई बार लोगों के मन में आया कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने नए नियम की मंडली का ये जो स्ट्रक्चर है, इसे देखने के बाद कहा ये सही नहीं है। उनमें से हर व्यक्ति ने जाकर, ब्रदरन असेंबलीज को छोड़कर, उनमें से हर व्यक्ति ने जाकर अपनी अपनी मंडली का निर्माण किया, मंडली की स्थापना की, उन्होंने एक नई नींव डालने की कोशिश की। 10 साल या 20 साल के बाद इन चर्चेस की क्या स्थिति है, यह मैं देखता हूं तो अक्सर सर पीट लेता हूं। उन्होंने जो नींव पड़ी है, उस नींव पर स्वतंत्र मंडलियों को प्रभु ने जो स्थापना की है, उसको छोड़कर उन्होंने अपने स्वयं की नींव डालकर नया निर्माण करने की कोशिश की। ऐसा नहीं होता है, बर्बाद हो गए। इसलिए प्रभु का वचन याद दिलाता है कि देखो,
निर्माण के बारे में चर्चा करने से पहले मैं जरा बता दूं कि नींव को देखोगे तो तुमको लगेगा कि अरे मैं भी तो मिस्त्री हूं, मैं भी तो नींव डाल सकता हूं। डोंट डू दैट। प्रभु का वचन याद दिलाता है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। नए नियम की मंडली का जो बेसिक ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़खानी के लिए भी कोई कोशिश करता है उसको कोई फायदा नहीं होगा। ये प्रभु का वचन याद दिलाकर 12वें पद में हम देखते हैं। आगे हम 12वें पद में देखते हैं कि ओके, नया नींव मत डालना बच्चे, प्रिय बेटे प्रिय बिटिया, नया नींव डालने की कोशिश मत करो। तुम मिस्त्री हो, तुमको जो निर्माण करना है इस नींव पर उसके बारे में सोचो। उसके बारे में क्या सोचो? यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ मतलब लकड़ी या घास या फूस का निर्माण करता हो, 13वां पद, तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा। बार बार जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं और जब हम विश्वासियों के जीवन का अध्ययन करते हैं, तो प्रभु का वचन बार बार याद दिलाता है कि यहां समाप्त नहीं हो गया। एक दिन आएगा जब हमको हिसाब देना पड़ेगा और उस समय सब कुछ प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट हो जाएगा इसके बारे में प्रभु का वचन यहां स्पष्टतया बताता है। और ये एक ऐसा पद है जो जनरली ब्रदरन असेंबलीज में लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं। पिछले साल की बात है जब इन पदों के बारे में एक सीरीज लेख लिखने के लिए मैंने और मेरे एक सहकर्मी हैं, हम लोगों ने पब्लिक में इसकी चर्चा की, तो अपने ही कई भाई लोग मरने मारने पर उतर आए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी विश्वासी के कर्मों का न्याय नहीं होगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 3:13 कहता है हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हरेक का काम परखेगी कि वो कैसा है। प्रभु के वचन में आग अग्नि हमेशा जांच और परख को दिखाती है। वो भी किस तरह के जांच और परख को? बहुत कड़ाई के साथ जो जांच और परख होती है उसको दिखाती है। प्रभु का वचन याद दिलाता है आज हम प्रभु के सहकर्मी हैं, हम निर्माण कर रहे हैं, इस निर्माण के बीच में दूसरी नींव डालने की कोशिश ना करें। मतलब जिसे अपन हिंदी में कहते हैं ढाई चावल की अलग खिचड़ी पकाने की कोशिश ना करें, कुछ नहीं होगा। जो नींव पड़ी है उसके ऊपर निर्माण करें, लेकिन निर्माण करें तो इस बात का ख्याल रखें कि किन चीजों के द्वारा निर्माण करते हैं, सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर। ये तीनों चीजें जब हम प्रभु के वचन में अध्ययन करते हैं तो ये तीनों चीजें सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर विश्वासियों के द्वारा सही रीति से किए गए निवेश को बताते हैं, जबकि घास फूस लकड़ी उसमें कोई इन्वेस्ट करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये है इन्वेस्टमेंट, सही इन्वेस्टमेंट करें, बुद्धि के साथ इन्वेस्टमेंट करें, यह है जो प्रभु का वचन कह रहा है। मेरे आपके आत्मिक वरदानों का उपयोग हम लोग कई तरह से कर सकते हैं, अपने घमंड को प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं, खासकर जिन लोगों को प्रभु ने पब्लिक मिनिस्ट्री दी है। पब्लिक मिनिस्ट्री मतलब 4 लोगों के सामने मिनिस्ट्री करने का अवसर दिया है, जो लोग गाते हैं, जो लोग बजाते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु का संदेश देते हैं, ये पब्लिक मिनिस्ट्री है। पब्लिक मिनिस्ट्री में दूसरों के सामने अपना घमंड दिखाने के लिए बहुत अवसर होता है। मुझे अभी भी याद है, आज से लगभग 30 साल पहले मैं एक जगह गया, वहां मुझे संदेश देने के लिए बुलाया गया था। एक भाई से कहा कि प्रार्थना कीजिए,
पब्लिक प्रेयर हमेशा 1 या 2 मिनट की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु के वचन में जितने भी पब्लिक प्रेयर रिकॉर्ड किए गए हैं 2 या 3 मिनट में खत्म हो जाते हैं। प्रभु ने प्रार्थना के लिए जो नमूना दिया वो आधे मिनट में खत्म हो जाता है। उस भाई ने प्रार्थना करना शुरू किया तो बाप रे बाप रे बाप, लोगों को लगा कि अब इसका अंत कब होगा, अंत कब होगा, अंत कब होगा। प्रार्थना के बाद जब मुझसे प्रभु का संदेश देने को बोला गया, मैं खड़ा हुआ, तो काफी बड़ा चर्च था, ये मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत बड़ा चर्च था, सैकड़ों में लोग थे, आधे लोग बड़े आराम से, आलंकारिक तरीके से कहा जाए तो आधे लोग आराम से सो रहे थे, बाकी आधे लोग इस फिराक में थे कि किसी तरह से यहां से भाग जाएं तो किस तरह से भाग जाएं। जानते हैं क्यों? मीटिंग के बाद उस भाई ने मुझसे आके कहा, ब्रदर जॉनसन, आज मैंने 14 मिनट प्रार्थना की। उनसे कहा गया वचन पर अनुग्रह देने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो घड़ी रख के, वो जनाब घड़ी उतार के पुल्पिट पर रखकर प्रार्थना कर रहे थे। 14 मिनट उन्होंने प्रार्थना की, लोगों का अटेंशन खत्म हो गया, लोगों का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया। यह है घमंड दिखाने के लिए अपने आत्मिक वरदान का उपयोग। घमंड दिखाने के लिए आत्मिक वरदान का जब कोई उपयोग करता है तो वो निर्माण कर रहा है, लेकिन लकड़ी, घास या फूस के द्वारा निर्माण कर रहा है। उसको लग रहा है क्या मैं भी क्या प्रार्थना करता हूं। कल जब आग उसके कार्य को जांचेगी, जल जाएगा। घास तो यो आग पकड़ता है, घास फूस लकड़ी भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, सिर्फ राख ही राख वहां बचेगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि हमें अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करना, ये तो स्पष्ट है, लेकिन आज प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि आत्मिक वरदानों का उपयोग मूल्यवान कार्यों के लिए करें, प्रदर्शन के लिए नहीं। प्रदर्शन के लिए करेंगे तो वो आग के साथ जब न्याय होगा तब वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन 15वां पद एक चीज याद दिलाता है, 1 कुरिन्थियों 3:15 जो बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 3:15 याद दिलाता है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, यदि किसी कार्य, किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा तो वह नुकसान पाएगा, वो आप बच जाएगा लेकिन जलते जलते। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली कुरिंथ में लोगों की आदत थी कि वे आग के ऊपर चलते थे, बेसिकली अपने जो देवी देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए। तो कुरिंथ के चर्च में जो विश्वासी लोग थे, उन लोगों ने विश्वास में आने से पहले ये जीवन में बहुत बार देखा था, जब कोई व्यक्ति आग में से होकर चलता था उस समय यदि बाय चांस हवा चल जाए तो आग एकदम से लपट उठ जाती थी, उसका वस्त्र जल जाता था, उसका शरीर भी जल जाता था। ऐसे व्यक्ति को, जलते से बचा हुआ व्यक्ति या आग से बचा हुआ व्यक्ति कहते थे। यहां प्रभु का वचन एग्जैक्टली वही यूसेज है। देखो, तुमने देखा है कि लोग जलकर आग से बाहर आते हैं, मर नहीं जाते, लेकिन जिंदगी भर वो नुकसान उनके साथ रहता है। आत्मिक जीवन में हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि हमने इन्वेस्टमेंट सही जगह पर, सही कार्य के लिए, सही एटीट्यूड या सही नजरिए से नहीं किया है तो एक दिन हमारा काम जब परखा जाएगा तब हमने जो कुछ किया है सब जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
वहां आप प्रभु की उपस्थिति में ये नहीं कह सकेंगे, प्रभु उस दिन आपने मौका दिया, आपको याद है क्या मैंने 14 मिनट प्रार्थना की, प्रार्थना करने का रिकॉर्ड बनाया। प्रार्थना रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, प्रार्थना का उद्देश्य या पर्पस अपने दिल की बात अपने पिता के सामने रखना है। इस तरह के सारे कार्य जो हम दिखावे के लिए करते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता के कारण करते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, दूसरे से बड़ा बनने के लिए करते हैं, ये सब जल जाएगा। इस कारण आत्मिक जीवन में प्रभु ने मुझे और आपको जो वरदान दिया है उसका उपयोग, उसका निवेश बुद्धि के साथ करें। बुद्धि के साथ करने का मतलब है सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर के रूप में करें। क्या मतलब? मतलब ये, हम इसके पहले भी देख चुके हैं कि आत्मिक वरदानों का उपयोग एक दूसरे की सेवा के लिए करना है। तो इस तरह से कीजिए कि आपके चर्च में सबसे पहले, क्योंकि प्रभु ने हम सबको एक स्थानीय मंडली में रखा है, आप अपने आत्मिक वरदान का उपयोग इस तरह से कीजिए कि आपकी स्थानीय मंडली में दूसरों के जीवन में उसके द्वारा बदलाव आए, आपकी वाणी दूसरों को शांति दे, आपकी वाणी दुखी को तसल्ली दे, जो शंका में है उसको शंका से दूर करे, जिसको ये लगता है जाऊं या ना जाऊं उसको जाने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग इस तरह से करना है कि उसके द्वारा हमारी स्थानीय मंडली में दूसरे भाई और बहनों को प्रोत्साहन मिले, दूसरों का भला हो, दूसरों के आत्मिक जीवन में उन्नति हो। ये सब प्रभु के वचन में इसके बारे में स्टेटमेंट है, जो मैं आपके सामने पढ़कर नहीं सुना रहा आज, लेकिन जस्ट याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि हमें ये सब करने, जब हम इस तरह से अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करेंगे तो सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का के द्वारा निर्माण करेंगे। लेकिन घमंड के लिए, दाह के कारण, ईर्ष्या के कारण, अपने आप को दुनिया के लोगों के सामने या चर्च के लोगों के सामने बड़ा करने के लिए भी हम करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 8.5 साल में जो पैसा दुगना होता है, उसके बदले हम 9 महीने में या 10 महीने में दुगना करने की कोशिश करेंगे, डूब जाएगा। वैसे ही इस तरह का इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये है, फिर से मैं पूछना चाहता हूं, आपका आत्मिक वरदान क्या है? इसके पहले भी मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी, यदि आप मुझसे पूछें ब्रदर जॉनसन आपका आत्मिक वरदान क्या है, तो 100 बार पूछेंगे 100 बार मैं आपको जवाब दूंगा, मेरा आत्मिक वरदान टीचिंग है, प्रभु के वचन की टीचिंग। किसी स्टेज में जाकर कलाबाजी दिखाकर लोगों के मनों को आनंदित करना या नाटक करना, ये मेरा आत्मिक वरदान नहीं है। मुझे प्रभु ने टीचिंग के लिए बुलाया है। ये उदाहरण मैं इसलिए आपको दे रहा हूं जिससे कि आप भी अपने आप को जांच सके। आप शायद पूछेंगे ब्रदर जॉनसन, यदि ऐसा है तो आपने अपने आत्मिक वरदान को कैसे पहचाना? उसका उत्तर वही है। मैं बहुत उत्साह के साथ संडे स्कूल में पढ़ता था। हमारे चर्च में टीनेजर्स का ग्रुप था, बहुत उत्साह के साथ उसमें भाग लेता था। क्रमशः मेरे चर्च में जो संडे स्कूल है उसमें मुझे टीचर बनाया गया, मुझसे कहा कि तुम बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाना स्टार्ट किया। क्रमशः मुझे और हायर क्लासेस देते चले गए। फाइनली जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तब मेरे चर्च के एल्डर्स ने मुझे संडे स्कूल के इंचार्ज बनाया। जो भी अवसर मुझे दिया गया उसका मैंने पर्याप्त उपयोग किया।
फाइनली जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था उस समय मेरे चर्च ने मुझसे कहा कि हर हफ्ते जो बाइबल स्टडी है वो तुम लोगे। मैं हैरान हो गया क्योंकि ग्वालियर में हमारी जो मंडली है उसमें प्रभु के वचन में एक से एक विद्वान भरे पड़े थे। ऐसे चर्च में बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे मुझसे प्रभु का वचन सिखाने के लिए बोला गया, मैं तो बहुत बुरी तरह से डर गया। और मुझसे बोला चर्च के उम्र में जो सीनियर एल्डर थे, मैंने कहा अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं, आप बैठे हैं तब मैं पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा जॉनसन इस चर्च के एल्डर्स को पिछले कई सालों से तुम्हारा जीवन देखने के बाद इस बात का यकीन हो गया है कि तुमको प्रभु के वचन की वचन सिखाने का गिफ्ट मिला है और इसलिए हम सब एक मत होकर तुमको टीचिंग के लिए न्योता दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं और आगे से इस चर्च में टीचिंग की काफी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। तो इस तरह से मुझे जो संडे स्कूल में सबसे पहले सबसे छोटे बच्चों को पढ़ाने का जो काम दिया था वहां से मैंने चालू किया। धीरे 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 मेरे ही चर्च के जो एल्डर्स है उन्होंने रिकग्नाइज किया कि मेरा गिफ्ट क्या है। इसी तरह से मैं और आप जब हमारे जीवन में जिस स्थानीय मंडली में हम हैं कोई भी अवसर मिलता हो उसको छोटा ना समझें, उसको बेकार ना समझें, उसका उपयोग करें। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा गिफ्ट प्रार्थना है क्या, लीडिंग है क्या, गाना है क्या, दूसरे को तसल्ली के दो शब्द बोलना है क्या। और जब ये स्पष्ट हो जाए तो उस आत्मिक वरदान का उपयोग हम सही तरीके से करें। किस लिए करें? निर्माण के लिए, दिखाने के लिए नहीं। याद रखिए सोना चांदी और सोने चांदी के अलावा घास फूस, इन दोनों में एक फर्क है। चांदी बहुत कीमती होती है, एक किलो चांदी आप अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं। उतने ही कीमत का घास ले लें तो शायद आधा कमरा भर जाएगा या पूरा ही कमरा भर जाएगा। घास फूस देखने में बहुत वॉल्यूम होता है, कोई उसकी कीमत नहीं होती है। उसी तरह से आत्मिक जीवन में हम दिखावे के लिए जो करते हैं बहुत बड़ा दिखावा हो जाएगा, प्रभु के सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मैं और आप अपने आत्मिक जीवन में सही निवेश कर रहे हैं कि इसको कैसे जांचें, ऐसे जांचें कि मेरे आत्मिक जीवन का उपयोग मेरी स्थानीय मंडली में दूसरों को अनुग्रह देने के लिए या पहुंचाने के लिए हो रहा है क्या, और हो रहा है तो मैं उसको और किस तरह से बढ़ा सकता हूं। आइए इसी के बारे में प्रभु के वचन में एक और जगह कहा गया है उसको भी देखें। इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके देखना जरूरी है क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि विश्वासी के जीवन को एक फार्म हाउस से और एक बिल्डिंग से तुलना की गई है। तो बिल्डिंग से तुलना जब की गई है तब हम प्रभु के साथ निर्माण कर रहे हैं, तो हम न केवल स्वयं बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग का निर्माण भी कर रहे हैं। हम न केवल चर्च हैं बल्कि चर्च का निर्माण भी कर रहे हैं। उसी तरह से प्रभु के वचन में एक और जगह फार्म हाउस का उदाहरण दिया है, वो है इब्रानियों की पत्री 6:7-8 में। इब्रानियों की पत्री 6:7-8 में वहां हम क्या पढ़ते हैं, हिब्रूस चैप्टर 6:7-8। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है तो वह परमेश्वर से आशीष पाती है। अगले पद में हम देखते हैं यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो पहले तो हमने देखा बिल्डिंग का निर्माण ऐसा करो
कि आग से जब जांचेंगे तो नष्ट ना हो। नष्ट हो गया, हमारा उद्धार नष्ट नहीं होगा, लेकिन जिंदगी भर हमको लगा कि हमने बहुत कुछ किया, सब नष्ट हो जाएगा। और जब हम उस जजमेंट से बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि बड़े लॉस के साथ बाहर आए हैं। उद्धार शाश्वत है, लेकिन उद्धार शाश्वत है का मतलब यह नहीं है कि हमको सबको बराबर प्रतिफल मिलेगा। जी नहीं, सबको बराबर प्रतिफल नहीं मिलेगा। जिसने किया उसको मिलेगा, जिसने नहीं किया उसकी वो हालत होगी जिसको एक दिया गया था और एक प्रभु को वापस कर दिया। यहां पर फार्म हाउस के बारे में कहा है कि जिनके लिए ज्योति बोई जाती है, कौन है, किसके लिए हम ज्योति बोए जाते हैं? प्रभु के लिए, उनके उस व्यक्ति के काम का सागपात मतलब फल उप जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। प्रभु ने हमको फार्म हाउस के रूप में या खेती के रूप में और भवन के रूप में ना केवल बनाया है, उसको आगे बनाने के लिए हमको जो सहकर्मी के रूप में लिया है, तो उस आगे के निर्माण में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम क्या उगा रहे हैं, क्या उग रहा है हमारे जीवन में। प्रभु का वचन याद दिलाता है, सागपात मतलब उपयोगी फल यदि हम उगाते हैं या उपजाते हैं तो प्रभु से आशीष पाते हैं। एक क्षण के लिए जरा मुड़कर अपने जीवन को जांच कर देखिए, उसको इस तरह से जांचा जा सकता है। आप जिस चर्च में हैं, उस चर्च में आपकी जुबान के बारे में लोगों की क्या राय है, ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। आपकी जुबान के बारे में कई लोगों के बारे में कहा जाता है, अरे भैया उससे कुछ मत बोलना, उससे यदि बोल दिया तो 10 गुना बड़ा चढ़ाकर वो चर्च में सबको बता देगा। ये उस व्यक्ति की जुबान के बारे में गवाही है। लेकिन ऐसे कई भाई और बहन हैं जिनकी गवाही यह है, फलाने से यदि मैं बोल दूं तो वो भाई आश्वासन से भरे हुए शब्द देगा, या वो बहन आश्वासन से भरे हुए शब्द बोलेगी, और इस कारण मैं जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, मेरे जीवन में जो पीड़ा है, हमेशा फलाने भाई या फलाने बहन के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि जब मैं शेयर करता हूं तो वो जो जवाब देते हैं, जवाब में ज्यादा नहीं बोलते, 4 शब्द बोलते हैं, लेकिन ये 4 शब्द 4,000 शब्दों का असर मुझ पर डालते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मुंह हमारे जीवन में ऐसा अवयव है जिसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा ही करते हैं। इसलिए याकूब की पत्री में पवित्र आत्मा को इतना डिटेल में उसके बारे में लिखना पड़ा था। आपकी क्या गवाही है आपके चर्च में? पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, जो बोलता है कृपा के साथ बोले जैसे प्रभु के वचन बोल रहा हो। क्या मेरे आपकी ये गवाही है कि वो फलाना बोलता है तो ऐसा बोलता है या ऐसी बोलती है इतनी कृपा के साथ जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहे हो? इस तरह से अपने जीवन के हर पहलू को जरा जांच कर देखें कि प्रभु जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमको एक फार्म हाउस के रूप में बनाया, उस फार्म हाउस में प्रभु के सहकर्मी के रूप में प्रभु के काम का सागपात उगा रहे हैं या नहीं। आगे 7वें पद में हम देखते हैं, इब्रानियों 6 अध्याय के 7वें पद में, यदि वो झाड़ी उगाती है, हम सब जानते हैं झाड़ी किसी काम की नहीं है, उसके अलावा ये लिखा है ऊंट कटारे। ऊंट कटारे का मतलब है ऐसी झाड़ियां जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं। आप सब जानते हैं इस तरह की बहुत सारी झाड़ियां होती हैं जिसमें सैकड़ों हजारों कांटे आप देख सकते हैं।
आपके इलाके में जरूर होगा। मध्य प्रदेश में मैं जिस इलाके में था वहां तो कई पौधे थे जिसके बगल से यदि आप गुजर जाएं, स्वेटर पहन के यदि उसके बगल से गुजर जाएं, तो थोड़ी दूर जाने के बाद पता चलेगा कि आपके सारे स्वेटर पर वो कांटे चिपके हुए हैं। क्या फायदा? स्वेटर को बर्बाद करता है। उसी तरह से यदि मैं और आप उस फार्म हाउस में प्रभु के लिए उपयोगी फल लाने के बदले यदि झाड़ी और ऊंट कटारे उगाते हैं, क्या रिजल्ट होगा? दूसरे को दुख पहुंचाएंगे, दूसरे को नुकसान करेंगे। प्रभु समय आने पर, प्रभु का वचन कहता है कि वो शापित होने पर है। प्रभु अपने बच्चों के बारे में इस प्रकार का शब्द का उपयोग करते हैं क्या? जी हाँ, प्रभु एक पिता है और पिता अपने बच्चों को जैसा वो बच्चा है उसको साफ साफ बताता है कि तुम ऐसे हो। प्रभु ने टैलेंट्स का जो उदाहरण दिया उसमें हर उदाहरण में अपने दास से कहा निकम्मे दास। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे दास नहीं हो। इसको विशेष ध्यान दें। दास है, दास का मतलब है वो प्रभु के परिवार में है, लेकिन प्रभु ने उससे कहा निकम्मे दास। इस बात को याद रखें, यदि हम अपने आत्मिक जीवन में प्रभु ने हमको जो अवसर दिया है उस अवसर का उपयोग करके यदि प्रभु के लिए उपयोगी प्रोडक्ट्स नहीं लाते हैं तो वो निकम्मी जमीन है। जिस तरह से प्रभु ने दास से कहा था हे निकम्मे दास, हम निकम्मी जमीन है, शापित होने पर है। शाप का, प्रभु के वचन में शापित शब्द का कई उपयोग होता है, जिसमें से एक यह है कि उसको दर्द होगा, दर्द सहना होगा, उसका अंत जलाया जाना है। इसके पहले हमने देखा कि नींव के ऊपर जो निर्माण कार्य किया जाता है उसमें जो बेकार है वो जला दिया जाता है। उसी तरह से खेत में हम जो फल लाएंगे यदि वो मालिक के लिए उपयोगी नहीं है तो फल जलाया जाएगा। बहुत गंभीरता से, बहुत अधिक गंभीरता से हम अपने आत्मिक जीवनों को जरा जांचें। हम किस तरह का निर्माण कर रहे हैं? किस तरह के बिल्डिंग पर निर्माण कर रहे हैं? जल जाएगा क्या? किस तरह का फ्रूट्स प्रभु के लिए ला रहे हैं, फल प्रभु के लिए ला रहे हैं, जल जाएगा या स्थिर रहेगा? इसके पहले सातवें पद के शुरू में जो कहा गया था उसकी ओर मैं वापस आपको ले जाना चाहता हूं। सातवें पद में हम पढ़ते हैं जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है पी पी कर। इसका क्या मतलब है? वर्षा का पानी किस बात को दिखाता है? प्रभु के वचन को। प्रभु ने जो ये इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु ने अपना वचन इस संसार में इसलिए रखा है कि प्रभु का वचन हमको गाइड करे कि हमें अपने आत्मिक जीवन में क्या करना है, किस दिशा में जाना है, क्या चुनना है, कैसे करना है। और देखिए प्रभु ने हमारे लिए कितना रास्ता खोला। एक बात बताइए, आज से 6 महीने पहले हम में से कितने लोगों ने जूम का नाम सुना था? आज तो मसीही परिवारों में, खासकर ब्रदरन परिवारों में, इवन बच्चा जानता है कि जूम का क्या उपयोग है, आत्मिक उपयोग है। जूम बहुत सालों से यहां है, ये लॉकडाउन के साथ नहीं चालू हुआ था। कई सालों से जूम का उपयोग क्लासेस में हो रहा है, क्लासेस चलाने के लिए होता था। रिजल्ट क्या है? लॉकडाउन आएगा, प्रभु इस बात को जानते थे। लॉकडाउन में हम लोग चर्च में जाकर प्रभु के दासों से प्रभु का वचन नहीं सुन सकते थे, प्रभु जानते थे। और इसलिए प्रभु ने पहले से अरेंज किया कि लॉकडाउन के बावजूद हम प्रभु का वचन सुन सके।
आज जिसके पास भी एक मोबाइल फोन है वो ये नहीं कह सकता कि प्रभु का वचन सुनने के लिए मेरे जीवन में कोई अवसर नहीं है, बल्कि अब तो अवसर ही अवसर है। सुबह सुनना चाहे तो सुबह, दोपहर को तो दोपहर, शाम को तो शाम को, रात को तो रात को। यही है प्रभु के वचन के, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर पड़ती है। यहां एक विशेष एक्सप्रेशन जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पानी पड़ता है। प्रभु हर समय, हर काल, हर समाज में इस बात का इंतजार करते हैं, इंतजाम करते हैं कि वर्षा का पानी मतलब परमेश्वर का वचन बार 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 हमारे ऊपर पड़े। प्रभु ने मंडली में ऐसे बहुत सारे भाई और बहनों को रखा है जिनको टीचिंग का गिफ्ट दिया है। बहनों की जिम्मेदारी है कि वे अन्य बहनों के साथ जब वार्तालाप करते हैं तब इस तरह से बोलें जिससे कि उनको प्रभु के वचन की शिक्षा मिल सके। भाई लोग जब मुंह खोलकर बोलते हैं तब भाई, बहन, बच्चे सबसे इस तरह से उनको बोलना चाहिए कि उनको प्रभु का वचन मिल सके। प्रभु ने उसका इंतजाम किया है, इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है वर्षा का पानी बार बार पड़ता है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है जो अब मैं याद दिलाना चाहता हूं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे आत्मिक वरदानों का उपयोग सही रीति से हो तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में पहला स्थान दे। इस मामले में ब्रदरन असेंबलीज शुरू से इस बात का प्रोत्साहन दिया जाता है। बच्चे पैदाइश से प्रभु के वचन के पदों को याद करें, उसके बाद संडे स्कूल में प्रभु का वचन सीखें। अन्य चर्चेस में भी होता है लेकिन ब्रदरन असेंबलीज में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और जब वो जवान हो जाता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाता है, बेटा खड़े होकर चर्च में प्रभु के वचन से दो चार पद पढ़ो सबके सामने। आगे उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, पवित्र आत्मा ने तुमको जो प्रेरणा दी है उसके अनुसार कुछ बोलो। इस तरह से अपनी मंडलियों में प्रभु के वचन को पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रभु ने इतने अवसर रखे हैं कि हम में से हर व्यक्ति उस जमीन के समान है जिस पर पानी, वर्षा का पानी बार बार पड़ता है। आप पूछेंगे ब्रदर जॉनसन आपको इसकी जरूरत है क्या, आप तो बाइबल टीचर हैं, आपको इसकी जरूरत है क्या? जी हाँ, मुझे भी इसकी जरूरत है। जिस तरह से आज आप बैठे हुए हैं, मैं भी हफ्ते में कम से कम एक या दो बार अन्य टीचर्स जब प्रभु का वचन सिखाते हैं उसको सुनता हूं। उसके अलावा मेरे दो तीन फेवरेट बाइबल टीचर्स हैं, उन लोगों के टीचिंग्स मैं बहुत क्रमबद्ध तरीके से बाइबल की एक एक पुस्तक चूज करता हूं। रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ये बाइबल एक्सपोसिटर्स जो प्रभु का वचन सिखाते हैं उनको मैं सुनता हूं। मुझे भी जरूरत है, हम में से कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन में स्वयं पर्याप्त नहीं है। वो भाई टीचिंग में जो निवेश कर रहा है उससे मुझे फायदा होता है, मैं जो निवेश कर रहा हूं उससे आपको फायदा होता है, आप जो निवेश करेंगे उससे सारी मंडली को फायदा होता है। तो इस कारण जो पानी प्रभु के वचन का बार बार गिरता है, आपके जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी उसकी जरूरत है। उसके द्वारा आत्मिक वरदान को समझकर सही जगह पर इन्वेस्ट करें। लेकिन उसका एक और एस्पेक्ट मैं बोलना चाहता हूं खत्म करने से पहले, और वो ये है, यदि हम प्रभु के वचन की उपेक्षा करें, यदि हमको लगे कि आजकल तो हम जूम बहुत सुनते हैं, आप प्रभु का वचन खोल के अलग से पढ़ना क्या है, बहुत गलत बात है। देखिए
प्रभु के वचन का अध्ययन तीन तरीके से होता है। नंबर वन, इस तरह से बाइबल स्टडीज में सुनने के द्वारा। नंबर दो, प्रभु के वचन को सामने रखकर नियमित रूप से उसका पठन पाठन करने के द्वारा। हर व्यक्ति के पास कम से कम एक बाइबल, एक डायरी और पेंसिल या पेन का होना जरूरी है। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब आपके मन में प्रभु जो भी प्रेरणा देते हैं उस प्रेरणा को लिखते चले जाइए। बहुत जरूरी है प्रिय भाई और बहनों, बहुत जरूरी है। और बाद में दिन भर प्रभु ने आपको जो प्रकाश दिया था उसके बारे में मनन करना जरूरी है। बाइबल स्टडी तीन तरह से होती है। एक, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनने के द्वारा। दो, हम स्वयं पठन पाठन के द्वारा। तीन, हमने जो सुना है जो पढ़ा है उस पर रिफ्लेक्शन करने के द्वारा। तो इसलिए पानी का, वर्षा के पानी का मतलब प्रभु के वचन का हमारे जीवन में बार बार पढ़ना जरूरी है। इसलिए अपने आत्मिक जीवन की उपेक्षा ना करें, प्रभु के वचन के पठन पाठन की उपेक्षा ना करें, प्रभु के वचन के मनन का की उपेक्षा ना करें और इस तरह से अपने आत्मिक जीवन का निक्षेप, निवेश सही जगह पर करें। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थरों से करें। मालिक के लिए उपयोगी फल लाएं, घास फूस लकड़ी से निर्माण ना करें, झाड़ी और ऊंट कटारे ना उगाए। याद रखिए, हर विश्वासी का न्याय होगा, आग के साथ न्याय होगा। जो भी बेकार बातें हैं, जो बेकार निवेश आपने किया, सब जल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उस एक दास के समान जिसने कुछ भी निवेश नहीं किया उसके समान मुझे और आपको प्रभु के सामने शर्मिंदा होना पड़े। आप पूछेंगे कि ब्रदर, मैंने तो सुना है कि उद्धार के बाद शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, मुझसे काहे को पूछते हैं? प्रभु का वचन पढ़ के देख लीजिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। इन बातों को समझने के लिए और इन बातों के अनुसार अपने जीवन को अरेंज करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। आप लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ ये स्टडी का को अटेंड किया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। मुझे इस तरह से अवसर जिस मंडली ने तैयार करके दिया, मैं उस मंडली का भी आभारी हूं। प्रभु के नाम की स्तुति। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।